हेलो, नमस्कार। मैं मुन्नी कुमारी आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि मिर्च के पौधे को कैसे लगाते हैं। आपको तो पता होगा कि जब मैं पिछली बार मिर्च के सीड्स जो लगाए थे, वो मिर्च का पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा भी मैं दिखाई थी आपको, तो वो पौधे जो हैं अब बड़े हो चुके हैं। तो उनको उस पौधे से निकाल करके मैं दूसरे गमले में लगाने जा रही हूँ। तो आइए चलिए दिखाते हैं कि उसे हम किस तरह से लगाते हैं। ये मैं मिट्टी ले ली हूँ। आपके पास अगर रेतीली मिट्टी है तो ठीक है, नहीं तो आप मिक्स करके बना सकते हैं। मतलब इस तरह से भुरभुरी मिट्टी हो जानी चाहिए। काली थोड़ा दो मिट्टी को मिक्स करके उसको तैयार कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो यहाँ पे ये मिट्टी मिलती है, तो मैं इसी से इसे तैयार करती हूँ। ये भी मिट्टी अच्छी है, यहाँ भी होती है। इस मिट्टी में सभी पौधे होते हैं, अच्छे से होते हैं और उनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो मैं ये इस गमले के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैं एक गमले मिट्टी में, मतलब थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। इस मिट्टी में मैं थोड़ा क्या करूँगी, एक मुट्ठी पूरा मुट्ठी से ऐसे आप ले लीजिए, जितना आ सके उसे आप इसमें मिला दीजिए। और एक मुट्ठी नीम खली, वो मैं गोबर की खाद डाली हूँ जो बना बनाया मार्केट में अवेलेबल है, तो उसे मैं ले ली। ऐसा आप अगर आप चाहें तो जो सड़ा हुआ गोबर होता है उसको अच्छी तरह से सुखा करके प्रयोग में ला सकते हैं, पर मैं उसे यूज इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें कीड़े लग जाते हैं, दीमक बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं उसे यूज नहीं करती। तो मैं इसी बना बनाया गोबर की खाद को यूज करती हूँ। और उसके बाद इतना एक मुट्ठी नीम खली डाल दीजिए और इन सबों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। इससे ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है? ये सभी आपस में घुल मिल जाएंगे जब इनमें पानी पड़ेंगे। हो गया। अब मैं इस गमले को ले लेती हूँ। और इसमें एक छेद है, इन छेद के ऊपर या तो कंक्रीट हो या कोई आपके पास टाइल्स का टूटा टुकड़ा हो या पुराने गमले का टुकड़ा हो, तो उन्हें इस तरह से तोड़कर यहाँ पे आप इस तरह से थोड़ा सा ये उठा हुआ वाला भाग यहाँ पे ऐसे डाल दें, ठीक है? और उस पर फिर ऐसे लगा दें। ये तो आपको पता ही है कि क्यों लगाते हैं, जो भी गमले में एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे से निकल सके, ताकि वो पौधे को नुकसान ना करें। इस तरह से लगा दें, ठीक है? अब उस पर मिट्टी आप डाल दीजिए। मिट्टी जब हम डालेंगे तो पूरे गमले भर के नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गमले को खाली रखेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो पानी डालने का भी जगह होना चाहिए। अगर पूरी मिट्टी से भरी हुई होगी तो पानी हम डालेंगे कहाँ? इस तरह से
हो गया, इतना खाली ही रहने दीजिए। और अगर आप चाहें तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा और यहाँ तक डाल सकते हैं और इतना खाली रहने दीजिए, एक 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 इंच या डेढ़ इंच या इस तरह से लगभग आप खाली रहने दीजिए। चलिए हो गया ये। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी से इस मिट्टी को पूरा गीला कर देना, ठीक है, पूरी गीली हो जाएगी मिट्टी। देखिए ये पानी धीरे धीरे अंदर सूखने लगेगा। चलिए इसे जल्दी सुखाने के लिए मैं ऊपर से मिट्टी को डाल देती हूँ, ताकि आपको मैं अच्छे से तुरंत बता सकूं, नहीं तो काफी समय निकलता जाएगा ना। अगर इस तरह से लगाना है तो आप एक दिन पहले इस तरह से मिट्टी को आप तैयार कर लीजिए, सब तैयार वगैरह करके और फिर पानी डाल के एक दिन आप छोड़ दीजिए और दूसरे दिन आप पौधे को इसमें लगाइए। ये मैंने यहाँ पे एक जगह कर दी और मैं पौधे को पहले से निकाल के रखी हूँ। ये रहा, यही वो पौधा है जो मैं लगाई थी और आपको दिखाई थी, छोटा छोटा था उस समय, अभी बड़ा हो चुका है, तो इसे मैं इसमें लगा देती हूँ और इनके जड़ के पास हल्के से मैं इन्हें दबा दूँगी। आप जब एक दिन मिट्टी तैयार करके और पानी डालने के बाद, जब एक दिन के बाद जब आप इसमें पौधा लगाएंगे तो इतनी गीली मिट्टी नहीं रहेगी, वो अच्छी हो जाएगी। ये तो मैं अभी आपको बताने के लिए लगातार ही दिखाती चली गई, इसलिए ऐसा है, तो जब आप लगाएंगे तो और अच्छा मिट्टी हो जाएगा, थोड़ा सा ये हल्का हो जाएगा, ये अभी काफ़ी गीला है। तो इस तरह से पौधा को लगाने के बाद आप सीधा धूप में ना रखें, कम से कम एक सप्ताह छायादार जगह पर रखें, जहाँ पे सिर्फ रोशनी आती हो या ऊपर से जो शेड बना हुआ हो वहाँ पे आप लगा करके एक सप्ताह के लिए रहने दीजिए। फिर उसके बाद, एक सप्ताह के बाद आप इसे धूप में रखिए और समय समय पे पानी देते रहिए। तो आज का बस यहीं तक, अब फिर कभी दूसरे दिन मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।